जैन साथियों, मुकुट फिजिकल एकेडमी गुना मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं जिस डाइट के बारे में बताने जा रहा हूं, उसके जब आप फायदे सुनोगे तो आप इस डाइट को छोड़ ही नहीं सकते। जी हां, मैं चने की बात कर रहा हूं, बिल्कुल चने की बात कर रहा हूं। आप चने के फायदे जब सुनोगे तो आप छोड़ नहीं सकते। देखो, जब बंदा रनिंग करता है तो उसके लिए हमेशा यही बताया जाता है कि भाई रनिंग करते करने के बाद में आप चना खाइए, चना खाइए। लेकिन उसको क्या सिर्फ ये बताया जाता है चना खाना एकदम, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन उसको ना वास्तव में उसके बारे में ज़्यादा जानकारी बताई नहीं जाती या होती नहीं है, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसका यूज कम करता, उपयोग कम करता, खाता कम है डाइट में। लेकिन एक बात बताऊँ मैं, अगर आप एक निश्चित मात्रा के साथ में चने को अगर आप खाते हो तो इसके इतने सारे फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको कुछ फायदे, आपको 8-10 फायदे इसके, मैं आपको इसके फायदे बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी इसके फायदे बताता हूँ, ठीक है। 8-10 फायदे बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, अगर आप 100 ग्राम चने, अगर आप रात को देसी चना, पहले तो याद रखना आप देसी चना को, ये वाइट चना नहीं होना चाहिए, देसी चना होना चाहिए, थोड़ा भूरे रंग का होता है, ठीक है, हल्का सा बादामी अगर बोल सकता हूँ मैं, भूरे रंग का होता है, ठीक है। तो चना आप ऐसा लीजिए पहले तो, और रात को आप एक क्या काम कीजिए, एक मिट्टी का या चीनी का बर्तन लीजिए, उसमें आप चने को गलाइए, चने को गलाइए और 2-3 बार पहले तो उसको धुल लीजिए और चने को गलाइए। चने गलाने के बाद में जब आप सुबह रनिंग करने के बाद में आप अपने घर लौटो तो चने को खाइए। एक बात और बताता हूँ, सिर्फ चने को नहीं खाना दोस्तों, चने को तो खाना ही है, साथ ही साथ जो आपने चना गलाया और जो उसमें पानी है उसको भी आपको पीना है। वो इसलिए क्योंकि चने की ताकत जो है ना आपकी डबल हो जाएगी अगर आप पानी भी उसका पीते हो तो। आप हो सकता है सुनने में ऐसा लग रहा हो चना का पानी कौन है चने का पानी पी, लेकिन दोस्तों अगर आप चने का पानी पीते हो तो आपको चने का खाने का डबल लाभ मिलेगा। और आपको बता देता हूँ, 100 ग्राम चने अगर आप खाते हो तो 364 कैलोरी उसमें होती है। और 364 कैलोरी के बाद में अगर आपको, अब मैं बात करता हूँ विटामिन की, तो विटामिन उसमें ए बी सी डी और भी B6 ऐसे विटामिन जो है ना उसमें पाए जाते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना ज़्यादा आवश्यक है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप जब रनिंग करते हो तो आपके काफ मसल्स, थाई में, आपके सभी जगह यहाँ पे मसल्स में, जहाँ मसल्स हैं उनमें पेन तो होता ही है, और प्रोटीन आपकी जो मसल्स हैं उनकी मरम्मत करता है। अगर मैं आप कहूँ तो मसल्स जो मांसपेशियाँ हैं आपकी, मांसपेशियों का रक्षक कवच है वो प्रोटीन है। तो चने में प्रोटीन पाया जाता है जो आपकी मांसपेशियों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है, ठीक है। इसके प्रोटीन हो गया, आपका विटामिन हो गया, ठीक है, कैलोरी। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी ताकत, चने की ताकत भी नहीं है कि आपको घोड़े जैसी फुर्ती देगा, ये आपकी कमजोरी थकान, आप रनिंग करते तो थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है और थकान भी होती है, तो दोस्तों ये आपको घोड़े जैसी फुर्ती देगा और बिल्कुल थकान नहीं होती। इसको खाने के बाद में आपकी थकान को दूर करता है और चना खाने के बाद में आपको दोबारा रनिंग करने के लिए वो तैयार कर देता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, कैलोरी और मिनरल्स की बात करता हूँ, इसमें कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम और इस तरीके के नाम हैं और वैज्ञानिक नाम भी हैं इसके, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे इसमें मिनरल्स भी और अन्य तत्व पाए जाते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, आप जब रनिंग करते हैं तो आपका हार्ट है ना दोस्तों बहुत काम करता है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा, चना उसकी रक्षा करता है। जो आपका हार्ट वर्क करता है, आप जानते हो जब रनिंग करते हैं तो कितना पंप करता है, ठीक है, तो उसकी रक्षा करने के लिए चना है, चना उसकी रक्षा करता है, आपको ताकत देता है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, बीमारियों से भी दूर चना ही रखता है। अगर आपको स्वास्थ्य, आप जैसे अगर आप रनिंग कर रहे हो, अगर रनिंग नहीं भी लगा रहे हो तो, अगर आप जब रनिंग नहीं लगा रहे हो उसकी चने की मात्रा आप थोड़ी कम खाइए, लेकिन अगर आप रनिंग करते हो तो एक निश्चित मात्रा में चना खाइए, तो आपकी जो बीमारियाँ हैं ना उनको चना दूर करता है, बीमारियों से दूर रखता है आपको। और सबसे 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 महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताता हूँ कि आपको पता है जब आप रनिंग करते हो, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है, या गर्मी का भी, जब भी आप रनिंग करते हो, अभी वर्तमान में ठंड का मौसम चल रहा है, तो जब आप चना खाओगे ना, ठीक है, तो चना आपके तापमान को नियंत्रित करता है, मतलब नियंत्रण में रखता है। अब एक बात होता है, नियंत्रण कैसे रखता है, आप रनिंग लगाते हो तो आपको पता ही है कि आपकी बॉडी में गर्मी
ठीक है, आपकी बॉडी को हीट करता है, रनिंग आपकी बॉडी में हीट लाती है, बॉडी गर्म होती है, आप रनिंग करते हो फिर बहुत तेज पसीना भी आता है, और अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो रनिंग करने के बाद में आप एकदम से रुकते हो या फिर वॉक करते हो तो आपकी बॉडी ठंडी भी होती है। तो मैं बताता हूँ, चना जो है ना आपके टेम्परेचर को लेवल में रखता है, जैसे कि आपको कोई भी फीवर वगैरह और जो बीमारियाँ हैं कोई भी देता। दोस्तों ये चने के लाभ है, मैं बोलता हूँ अगर आप रनिंग करते हो, यदि आप रनिंग करते हो तो चना तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, चने को आप खाते रहिए, घोड़े जैसी ताकत और फुर्ती चना ही देगा आप में, और आप जब चना खाओगे उसके बाद में आपको दोबारा तैयार रनिंग के लिए चना ही करता है, ठीक है, तो चने को बिल्कुल भी मत छोड़िए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि अगली बार आपको वीडियो जो है ना मैं बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों यदि आप रनिंग कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि जो लड़के रनिंग कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, और बस जल्दी से जल्दी इसका उपयोग करें, क्योंकि अभी वर्तमान में भर्तियाँ चल रही हैं, ठीक है, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं लड़के, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो चने को बिल्कुल भी ना छोड़े, ठीक है। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।